My name is Chanchal Srivastav and welcome to my YouTube channel Crazy Creative Chanchal. तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर. और जैसे कल न्यू ईयर था यानी कल एक तारीख थी, तो मैंने अपने न्यू ईयर की स्टार्टिंग की थी मंदिर से दर्शन करके. और आज है 2nd January और सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है और हर किसी का सेलिब्रेशन का तरीका अलग अलग होता है. तो ऑब्वियसली सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती है, पर मेरा सेलिब्रेशन का तरीका यही है कि मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. और खाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या हो सकती है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड खाना मिले, है ना. तो आज हम लोग आए हैं बारबेक्यू नेशन में. यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अलग अलग टाइप के फूड मिलते हैं. वो क्या होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा. तो चलिए शुरू करें. सी एक्साइटमेंट में मेरे से क्या हो गया. मैंने न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया था कि मैं अब अनहेल्दी नहीं खाऊंगी और अपना जो एक्सेस वेट है उसको कम करूंगी. पर सुबह सुबह ये देवी जी का फ़ोन आया जो बीच में बैठी है कि बारबेक्यू चलते हैं, और यहाँ पे मैं पिघल गई. तो हमारा ग्रिल आ चुका है और ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी नॉनवेज है. जिसमें ब्राउन डंडी होती है वो नॉनवेज होता है, और जिसमें ग्रीन डंडी होती है वो वेज होता है. अब ये नॉनवेज में सब कुछ है, लाइक प्रॉन है, फिश है, चिकन है, मटन है, और वेज में लाइक पनीर है, मशरूम है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. हम सब में सिर्फ मैं ही वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन की जो प्लेट्स है वो भी थोड़ी अलग टाइप की होती है, जिससे कि वो लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि वेजिटेरियन कौन है और जिन्हें वेजिटेरियन वेज फूड ही देना है. ग्रिल के अलावा बीच बीच में ये लोग अलग अलग टाइप के स्टार्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्रिस्पी कॉर्न है, पोटैटो है, कबाब्स है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ये लोग बीच में प्रोवाइड करते रहते हैं. नॉन वेजिटेरियन को भी अलग अलग चीज़ें देते रहते हैं स्टार्टर्स में. यानी स्टार्टर्स ही इतने सारे हैं आप यानी वेराइटीज़ जो आप खा खा के खुश हो जाएंगे. क्रिस्पी कॉर्न मेरे फेवरेट है, और पानी पूरी भी मिली है, ये लोग पता है ऐसे परोसते हैं खाना जैसे कि आप लड़के वाले हो और ये लड़की वाले सारे आपकी खातिरदारी में लगे हुए हो. Yummy, yummy in my tummy. व्हाइट सॉस पास्ता. और आपको पता है अभी तक हमारे स्टार्टर्स ही चालू है. वैसे तो इसका प्राइस 770 प्लस टैक्सेस है, बट अगर आप 6:30 बजे पहुंच जाते हैं तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है. अब यहाँ पे देखिए मेरी बेबी के खाने के लिए भी फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी अवेलेबल है, यानी जैसा आपको चाहिए थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी ये लोग करके देते हैं आपको.
इसके अलावा जैसे आपका अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसके लिए भी एक छोटा सा केक ये लोग प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे से सॉन्ग गाकर आपके साथ ये सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर जैसे कि आप अकेले हैं किसी प्लेस में और आपके साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है, तो आप बारबेक्यू नेशन आके अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने भी आगे अपना केक काटा है, वैसे तो मेरा बर्थडे नहीं है, बट मैंने उनसे कहा प्लीज़ दे दीजिए और उन्होंने दे दिया था। बारबेक्यू नेशन इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप जैसे लखनऊ से नहीं भी है तो ये बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके बारबेक्यू नेशन में एंजॉय कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, चाहिए तुम्हें। बच्चों का सही है, कितना भी शोरगुल हो वो अपनी नींद पूरी जरूर कर लेते हैं, है ना। भी नजर डालते हैं मेन कोर्स में। मेन कोर्स में भी बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है, वेज में भी और नॉन वेज में। डेजर्ट्स भी बहुत सारे वैरायटीज के अवेलेबल है, फ्रूट्स है, सलाद है, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना और आपके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए लोग भी अवेलेबल है ना। आप मेरे को विक्ट्री पोस्ट दे सकते हो? थैंक यू। यहाँ पर कुल्फी भी अवेलेबल है और कुल्फी में भी बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है, मलाई कुल्फी, केसर कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी और भी बहुत कुछ। तो फाइनली हम लोगों ने मेन कोर्स स्टार्ट कर ही दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कितना खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि पेट तो कब से भर गया है, बस मन भरने के लिए खा रहे हैं। और मैं आपको एक ज़रूरी टिप देना चाहती हूँ। यहाँ पे जैसे डेजर्ट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के है, अवेलेबल है, वैरायटीज़ है, तो उसे एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो उसके पहले आप वर्जिन मोजिटो ज़रूर पी लीजिएगा, जिससे आपके पेट में थोड़ी जगह बन जाए और आप डेजर्ट्स बहुत अच्छे से एंजॉय। कुछ ड्रिंक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, बट अगर आप डिनर में आते हैं तो आपको इस ड्रिंक का पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे लिए डेजर्ट्स ला दीजिए, तो उन्होंने देखिए मेरी प्लेट में कैसे लाया है, और अब उनकी प्लेट देखिए और अभी देखना कितने मज़े से खा रहे हैं अपने डेजर्ट।
टाइम है कुल्फी टेस्ट करने का। सो आज मैंने बहुत कुछ खा लिया है और कल से मैं अपना रिजोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करूंगी, पर आप जरूर आइए बारबेक्यू नेशन और ये सारे फूड एंजॉय कीजिए। सो मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई सजेशन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रेजी क्रिएटिव चंचल। टिल देन बाय बाय।